कल से क्या है कि हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं बिकॉज रेड अलर्ट पे आ गया है और काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। एक कुछ कैंप्स भी नीचे के बह गए हैं, जो नदी कल हम लोग थोड़ा बहुत गए थे, चले हैं, ये है वो है, बट अभी उसमें तो खड़े होने लायक नहीं है। उसके सारे स्निपेट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये हाल हो रखा है अभी, लैंडस्लाइड बादल फटने के बाद। ये वो जगह है जहाँ पर तितलियों का घर दिख रहा है वीडियो में आप लोगों को, अभी ये हाल हो रखा है। ये वही सस्पेंशन ब्रिज है, कल हम लोग यहीं यहाँ बीच में कहीं बैठे हुए थे और अभी इतना पानी है इसमें कि पास में भी जाना बहुत सेफ नहीं है। और हम तीनों लोग फिर से सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर खड़े होकर के जो कि मज़े ले रहे हैं बस रेड अलर्ट के। रेड का आलम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है तरमाई का आलम। रेड वो दिखा दिया, रेड अलर्ट के मज़े ले रहे हैं, भूस्खलन के मज़े ले रहे हैं, बादल फटने के मज़े ले रहे हैं, अर्थक्वेक के मज़े ले रहे हैं और वो भी ऐसे। ये देखो ये हम लोग, ये शैतान इधर खड़े हैं, ये सब लोग रुके हुए हैं। ये रोड ऐसी जा रही है और ये पहाड़ों का पानी हो सकता है कभी भी तेज़ भी हो जाए, बट वी कांट हेल्प इट। तो हम लोगों को कुछ सामान चाहिए थोड़ा सा। फाइनली ये भाई बहुत तेज़ है भाई, ये बहुत बहुत तेज़ प्रेशर है एंड कह रहे हैं सही रोड पे काफ़ी जगह पर हो गया है। दिस इज़ द मार्केट, ये नीचे नदी जा रही है और ये वो पानी है जो रोड से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा सीन हो रखा है, इधर पूरी पब्लिक रुकी हुई है जो कि फंस गए हैं यहाँ पे। भैया इधर ऐसा होता रहता है क्या, बरसात में हो जाता है तो ये कब तक खुलेगा? ये कुछ आइडिया नहीं है, जैसे हम लोगों को कार लेके निकलना है हरिद्वार की तरफ तो ना नहीं निकल पाएंगे। पहाड़ टूट गया तो निकलना, पहाड़ टूट गया है क्या? जगह जगह टूट रहा है तो कब तक सही होना चाहिए? वो लम सही मौसम खुलने के बाद है, मौसम तो कल रात से नहीं खुला है। अच्छा कल रात से शुरू हुआ शुरुआत हो रहा है, चलिए होपफुली खुल जाए। ओके गाइस, तो ये है, ये माहौल हो रखा है और हम लोग यहाँ पर बीच में फंसे हुए हैं। काफ़ी लोग दिल्ली के भी जो वीकेंड गेटअवे के लिए आए थे वो लोग भी फंसे हुए हैं, सो होप फॉर द बेस्ट। ये वही रिवर है जो आप लोगों को वीडियो में दिखाई है और ये उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर हम लोगों के कैंप का नीचे का हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी सारे ये लोग बता रहे हैं कैंप्स और ये थे वो बह गए हैं। सो ये रिवर बहुत ज़्यादा अपने फ्लो पे है, पिछले 10-15 सालों में सबसे मैक्सिमम फ्लो पे है। सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज वरीड। कितने कैंप बहे फिर अपने यहाँ पर? भैया 7 कैंप बह चुके हैं। कितने? 7 कैंप। 7 कैंप बह चुके हैं। 8वें की तैयारी, वहाँ वाली बिल्डिंग भी जाने वाली थोड़ी देर में, वो साइड में ना उधर ही देख रहे थे हम लोग। अब पानी कम, अभी तो पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया, सुबह 6 बजे करीब बहुत ज़्यादा पानी था। ये अपने राहुल भाई हैं और राहुल भाई ट्रैक पे लेके जाते हैं। और राहुल भाई बताइए अपने बारे में कुछ। राहुल भाई हम ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, हमारा कैंपिंग का काम है, राफ्टिंग भी करवाते हैं, ट्रैकिंग भी करवाते हैं। जैसे किसी को घूमना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपना उत्तराखंड और उत्तराखंड कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? हिमाचल मसूरी, हाँ। जय
क्या चोपटा है हाँ। और जपना केदारनाथ है सब। इनका जो डिस्क्रिप्शन है, नंबर है और डिटेल्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भाई को फॉलो कर सकते हैं, और भाई का हाथ का स्वाद भी बहुत अच्छा है, और आप लोग आइए और भाई से मिलिए और काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, हम लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। आपने दिखाई दी ये नदी, वहाँ से आकर के ये दो धाराएं हैं, वो वाली धारा कह रहे हैं इस वाली धारा से ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर इस समय ये दोनों ही धाराएं काफ़ी स्ट्रांग तरीके से बह रही हैं। ये सस्पेंशन केबल्स हैं जो कि ब्रिज को जोड़ रहे हैं। हम दोनों लोग निकले हैं और जा रहे हैं देखने जितनी दूर तक जा पाएंगे कि कितनी त्रासदी हुई है और क्या क्या हुआ है। पैदल ही जाएंगे और पैदल ही समझेंगे कि कैसे है, और इस वीडियो में आपको आगे ये दिखाएंगे कि जो हम लोगों को दिखेगा। ऑफ कोर्स ओके जाओ। हम लोग चल रहे हैं, बहुत लोगों से बात हुई है कि रोड ब्लॉकेज है, रोड में काफ़ी पानी आ रहा है पहाड़ों से सीप करता हुआ, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखने जा रहे हैं कि कब तक खुलेगा, कैसा रहेगा, आगे देखते हैं। और अभी आपको नेक्स्ट ये देखिए एक पानी कैसे सीप कर रहा है रोडों पे, इसका आप सीप कर रहा है, देखिए ये देखिए आ रहा है यहाँ से, और ये देखिए ऐसा, इसी वजह से नदी इतनी ओवरफ्लो करने लगी है। ये देखिए पूरा रोडों पे पानी है यहाँ, ये देखिए। हम लोग रास्ते में चलते हुए आ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहे हैं इस वीडियो में, कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि रास्ता कितना क्लियर हुआ है, कहाँ पर क्लियर हुआ है, और रास्ते में ये एक व्यू मिला है जहाँ पर हम लोग रुके हैं। आप लोगों को अभी वीडियो में अच्छे से मैं जूम करके दिखाऊंगा कि ये व्यू क्या है। ये जो नदी जिसको बारे में हम लोग बता रहे थे, जिसने काफ़ी सारे कैंप्स उड़ा दिए और सब खत्म कर दिया, वो देखिए एडिड जगहों से कैसे भर रही है। ये यहाँ से पूरा पहाड़ों से आ रहा है, और ये पहाड़ पानी तो ला ही रहा है, स्लश और बाकी सारी चीज़ें भी आ रही हैं इसमें, जो कि खतरनाक है। अब आगे जाके हम लोग देखेंगे कि रास्ता कब तक खुलता है, खुला है नहीं खुला है, काम क्या चल रहा है, तो हम लोग कैसे यहाँ से कब तक निकल सकते हैं। सो दिस इज़ मानसून गाइज, दिस इज़ ऋषिकेश गाइज। आप लोग अगर मानसून में ऋषिकेश में आते हैं तो इस चीज़ को बिग टाइम दिमाग में रखिएगा, वेदर फोरकास्ट देख लीजिएगा कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग तो चिल हैं क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, एंड इसी में मज़ा लेना था हम लोगों को। बट जिन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, फंसना फील करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ये कुछ दिखा है तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये देखिए पहाड़ों से पूरा पानी और स्लश और पूरा सब बीच से आ रहा है, और ये भी नदी में मिक्स हो रहा है। ये सर मिले हैं, ये किसी चीज़ का दिग्विजय बिश्त जी मिले हैं, और ये एक वीडियो बना रहे थे तो मैंने पूछा किस चीज़ का बना रहे हैं, तो आप लोगों को एक रोड दिखाएंगे जो कि पूरा स्लश की वजह से बंद हो गई है। पहली नज़र में मैंने देखा, मैंने कहा तो नॉर्मल लग रहा है, बट आपको थोड़ा दिखाएंगे कि क्या है ये। भूस्खलन आ गया, भूस्खलन ही है ये, देखिए लैंडस्लाइड। ये देखिए ये पूरी रोड जा रही है कॉलेज के लिए यहाँ से, ये कॉलेज का ही वो है पौड़ी गढ़वाल का एरिया है ये, और ये देखिए यहाँ से ये पूरा स्लश आया है और ये पूरी रोड ब्लॉक है, और ये ऐसे देखने पर लग रहा है कि ये ऐसा ही नेचुरल है, मगर ये इनको खोलना पड़ेगा, ये सबको ये एक्सेसिबल कराना पड़ेगा रोड का। यही पहाड़ों में दोस्तों मानसून में हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं कि पहाड़ ना जाएं, क्योंकि रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। सामान्य दिनचर्या से भेड़ चराने जाना है तो जाना है, जैसा भी मौसम हो, जो भी हो, भेड़े परेशान हो, इंसान परेशान हो। चचा आप यहाँ पर भेड़े चराने जा रहे हैं, परेशानी तो हो रही होगी। परेशान
तो मौसम के कारण से हो गए ना। मौसम के कारण से। अच्छा आप तो इधर ही के लग रहे हो? इधर के हैं जी। तो ये ऐसा मौसम कितने दिन बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे? ये तो साल भर में एक दो बार, तो ये साल भर में जैसे बरसात है ना, एक दो दिन तो हो जाती है परेशानी। एक दो दिन हो जाती है ऐसी ही परेशानी हो जाती है। तो ये क्या लग रहा है कब तक ठीक हो जाएगा? अब ये तो कुछ पता नहीं चलता। वैसे चलिए भोलेनाथ से मनाते हैं, जल्दी हो जाए। ओके। ये दूसरा फ्लश, ये फ्लैश फ्लड्स की निशानी है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से गड्ढे बने हैं, ये आप सोच सकते होंगे कितना फ्लो आया होगा पानी का एक साथ। ये फ्रेंड्स अभी हम लोग आ रहे थे और सब बता रहे हैं कि कई गाड़ियां यहाँ बह गई हैं और ये बोनट पड़ा हुआ है एक बही हुई गाड़ी का, और नीचे कैंप्स हैं, जो कैंप्स बहे हैं उसके साथ साथ कुछ गाड़ियां भी बही हैं। कैसे ही था ऐसा? अभी टूटा है। ऐसी जगहों जगहों पर पत्थर बह के आ गए हैं और रोड में काफी ब्लॉकेजेस हो गए हैं। अब इसमें कार निकालने में काफी इशू होता हम लोगों को। ये देखिए यहाँ से पूरा यहाँ पर सारी गाड़ियाँ ट्रैप्ड हैं और रुकी हुई हैं। पता नहीं है, देखिए किसी का ब्यूटीफुल सा डॉग भी झांक रहा है कार से। ये मोटरसाइकिल की क्या हालत हुई है। बेचारा यार, किसकी हो। जब भी आप पार्क करते हैं तो सेफली पार्क करिए। मॉनसून में ट्रैवल करना बुरा नहीं है, मगर थोड़ा एहतियात के साथ। आप देखिए कि आपका व्हीकल स्लश एरिया में तो पार्क नहीं है, आपका व्हीकल जो है किसी ऐसे पहाड़ के बगल में तो पार्क नहीं है जहाँ से पत्थर टूट के गिरने की प्रोबेबिलिटी है, तो काफ़ी डैमेज आप सफ़र कर सकते हो। अब आप ये देखिए जो बीच में ये कार पार्क्ड है और ये बाइक पार्क्ड है, ये तब तक नहीं निकल सकती है जब तक ये नदी अलाउ नहीं करती है इनको, और ये इन कैंप्स में है। गॉड ब्लेस ये कैंप्स वाले भी सेफ रहें। आई जस्ट होप, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर देम, और ये गाड़ियाँ भी सेफली निकल आएँ। बट ये मेरी होती तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होता उतने टाइम कि ये क्या है आँखों के सामने, अपनी इतनी गाड़ी इज लव, आप उसको ऐसे नहीं देख सकते हो, आप उसको ऐसे नहीं देख सकते। गाइज अनदर पार्किंग लेसन इन ऋषिकेश मॉनसून के टाइम में, हिमालयाज आपके साथ क्या कर सकता है। ये गाइज ये स्लश पूरा क्लियर करा गया है अभी रोड से। आगे जेसीबी हम लोगों को दिख रही है यहाँ से, जो कि स्लश को क्लियर कर रही है। वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लियर होता है। और आप समझ रहे हैं कि इन पे चलना बहुत मुश्किल है, स्लिपरी है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। एंड आप ये देखिए इस लेवल का स्लश इस रोड पे होगा जिसको क्लियर करके गाड़ियों के लिए, और ये रूट्स और ये सब बहुत आपके व्हीकल को डैमेज कर सकता है ये मटेरियल। ये सब मलबे को क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। एंड ये फिर से वही कार्स, ये बराबर साथ में व्यू चल रहा है और पानी इनके पास तक पहुंच गया है। होपफुली निकल जाते हैं ये लोग, निकल जाएं ये लोग। गाइस काम चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्लियर हो रही है रोड। पूरी तरफ से आए हैं ये, आप लोग देख सकते हैं ये रोड है और ये पूरी ब्लॉक्ड है, और यहाँ से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी बाइक ही निकाल सकें, कार तो छोड़िए ही। ये देखिए मैं आपको दूर से व्यू दिखाता हूँ, ऐसे रोड्स बंद हो गई हैं। और एग्जैक्टली थोड़ा सा दूर चलते ही आप ये देखिए यहाँ पर भी एक वैसा ही स्लश का सिनेरियो क्रिएटेड है। ये देखिए अब ऐसा ना जाने कितनी जगह तक हो, तो जब तक आप थोड़ा सा ड्यूरेशन ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप जहां पर हैं कोई स्टे है तो बेटर है, नहीं तो कोई स्टे ले लीजिए
और 10-12 घंटों तक एटलीस्ट इंतज़ार करिए, ताकि जब तक ये स्लश की प्रॉबिलिटीज़ और जब तक आपको बाहर, जैसे हम लोगों को अभी हरिद्वार की कोई गाड़ी दिख जाती है, ऋषिकेश में हम लोग, तो हरिद्वार की अगर कोई गाड़ी यहाँ तक आ गई मीन्स आप भी वहाँ तक जा सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो में आप लोगों को यही करना चाहिए कि जब तक वहाँ से कोई गाड़ी ना आ जाए, आप लोगों को कन्फर्म ना हो जाए, तब तक आप लोग मत निकलिए, क्योंकि रोड के बीच में फंसना और होटल में खाने के साथ रहना मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। शदान जी कह रहे हैं कि हम लोगों को पैदल उधर जाके भी देखना चाहिए कि क्या हो, तो क्या चलें? बिल्कुल, यहाँ से हम जा सकते हैं, यहाँ से चलिए कोशिश करते हैं। आप पहले चलेंगे? चलिए चलते हैं, वीडियो के साथ मत करिए, निकलिए पहले, निकल जाएंगे। देखो चलो 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 भाई, चलो, ये देखो पैर पूरा अंदर है, हम आराम से आना, जहाँ जहाँ भाई नहीं जा सकते। ये देखो यार पैर देखिए आप मेरा कहाँ है। अब ये क्रॉक्स ना हो, हाथ दो तो अपना सीन सेट हो जाए। इधर से तो आप नहीं जा सकते हो, 100% आप नहीं जा सकते हो। तो आप रॉकस्टार मत बनिएगा जैसे मैं बना हूँ, और मत जाइएगा, क्योंकि ये देखिए पैर रखते ही आपको नहीं पता है किधर दलदल है और कितना गहरा है स्लश। सो लेट्स गेट बैक। ये देखिए ये हालत हुई शूज की, प्यार से लगती है।